कितने टाइम लगता है, दूसरा खर्चा कितना आता है? जी इसको करने में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का समय लगा हमें, परंतु अच्छी बात यह है कि मरीज को कोई चीरा नहीं है और ऑपरेशन के तुरंत बाद जो है मरीज होश में आ गया और दो ही या तीन दिन के अंदर ही उसकी छुट्टी हो गई। ऑफकोर्स इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, हर केस के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा केस है क्या है। इसमें कॉयल्स यूज होती हैं, एक कॉयल का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 70,000 के करीब चल रहा है आजकल मार्केट में, तो नंबर ऑफ कॉयल्स जितनी यूज होती है उसके हिसाब से इसका खर्चा आ सकता है, केस टू केस डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब क्या कारण मानते हैं जो इस तरह की आंखों की रोशनी चले जाते हैं, इसके पास पीछे क्या कारण है? जी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आंखों में जैसे मैंने आपको बताया आंखों में कोई अबनॉर्मल कलेक्शन बन जाए उनकी नसों के बीच में और ब्रेन की मेजर नसों के बीच में, जो कि अपने आप से भी बन सकता है। जैसे इस केस के अंदर पर्टिकुलरली उस पेशेंट को 1.5 महीना पहले चोट लग के हटी थी सिर में, तो उस समय प्रॉब्ली छोटा मोटा रेंट क्रिएट हो गया होगा जो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ गया। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, कभी कभार एनोरिज्म होते हैं वो आंखों की नसों को दबाने लगते हैं, तो ये सारे कारण होते हैं आंखों की रोशनी पे असर पड़ने का, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब आजकल जिस तरह से देखा गया है मरीज जो होता है उसको पता नहीं चलता, जी आप क्या कहना चाहते हैं मरीज को कब डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हर छोटे से छोटे शहर में सीटी स्कैन या MRI अवेलेबल है, तो डेफिनेटली अगर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल है उससे जरूर परामर्श करें। आपको कोई प्रॉब्लम लगती है जो आपका जिसका आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, और अगर नहीं तो एटलीस्ट एक सीटी स्कैन या MRI कराने में कोई हर्ज नहीं है, एटलीस्ट MRI में तो कोई रेडिएशन भी नहीं लगता है। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन जरूर है लेकिन ये काफी ज्यादा डिटेल्स हमारे को बता देता है, और अगर वो हो जाए और उसमें बीमारी पहले पकड़ी जाए तो ऑब्वियसली इलाज भी इजी हो जाता है। सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड न्यूरो स्पाइन सर्जरी एज वेल एज इंटरवेंशनल न्यूरो सर्जरी IV हॉस्पिटल, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही जटिल है। और इसमें क्या था कि मरीज की आंख की रोशनी जा रही थी, उसको कुछ दिनों पहले हेड इंजरी हुआ था जिसके चलते उसके आंख के पीछे एक जो मेजर नस होती है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, उसके और कैवर्नस साइनस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया था जिस कारण से उसकी आंख की रोशनी जा रही थी, आंख सूज रखी थी, और अगर इसका इलाज नहीं किया जाता तो मरीज की जान को भी खतरा हो सकता था।